नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शौकीन पतंगबाज में। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्ते भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया। काफ़ी समय के बाद गौरव भैया के पास आना हुआ है क्योंकि हम भी कुछ कार्यों में अपने व्यस्त हो गए थे। तो अब जैसा कि हमारे पास इन दिनों बीकानेर का सीज़न आ रहा है, तो बीकानेर के सीज़न के अकॉर्डिंग किस तरह की डोर उड़ाई जाएगी और क्या रहेगा पूरा स्टॉक के बारे में, और कौन कौन से मांझे अभी अवेलेबल है, तो भैया से जानते हैं किस तरह के मांझे उड़ाना पसंद करेंगे लोग और अभी अपने पास में स्टॉक में क्या क्या अवेलेबल है, बताए भैया। जैसे बीकानेर का सीज़न है तो थोड़ा गर्मी तेज़ी पे है और उधर थोड़ा सा हवा भी अभी जो है वो तेज़ चलती है। ओके, तो 8400 से ऊपर तो वहाँ काम करता ही नहीं है। 8400 काम नहीं करेगा? नहीं, 8400 से ऊपर जैसे मोटे पांडा होता है ना, वो वहाँ पे काम नहीं करता। तो अपन एक उसको लिमिटेड 8400 या कोई तावा उड़ाता है तो C28 तक कवर करके दिखा दूंगा मैं। उससे ऊपर मतलब जैसे तावे से ऊपर वहाँ पतंग होती भी नहीं, और होएगी भी तो वो हवा की वजह से फटती ज्यादा है वहाँ पे। तो पोनी और तावा और उसके बाद मंजोली और इनके लिए तो 4 तार 6 तार 1 2 3 काफी रहता है। तो भैया अपने पास आज स्टॉक में क्या क्या देख, कौन कौन से कारीगर देखने को मिल जाएंगे आज? कारीगर तो खैर खूब सारे हैं, फिर भी मैंने ये 20-21 वेरिएंट निकाल रखे हैं तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलो मूव ऑन करते हैं अपन। जिसमें से अगर बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज पे जाएं तो ये साकिर भाई का ब्लैक पैंथर है और इनका ब्लैक स्कॉर्पियो भी आता है और NRK में भी ब्लैक पैंथर आता है। आप देखिएगा, दो तरह के ब्लैक पैंथर आ रहे हैं, एक साकिर भाई का आ रहा है जो हमारे गोल्ड फिश और गोल्ड बर्ड और वीर चक्र वाले हैं। इनका ये वाला जो है वो 1 2 3 पे है और गन की डोर पे आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो इनकी जो दूसरी वेरायटी है वो ब्लैक स्कॉर्पियो आती है। स्कॉर्पियन तो नाम से है ना, आई थिंक। हाँ, ये तो ब्लैक पैंथर है। इसकी रेंज मतलब एक होता है ना 2000 के अंदर की रेंज के ये कुछ एक मांझे हैं। जैसे ये ब्लैक पैंथर है, इसकी बीकानेर की चरखी पे 12 रील की पूरी डोर है और ब्लैक पैंथर के नाम से बहुत फेमस है। बीकानेर अभी खूब माल गया है। अच्छा। और इनका एक 3 गेट भी आता है, वो 8400 पे आता है, वो भी इकोनॉमिकल रेंज पे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पतंगबाजी कर सके। ओके। उसके बाद मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, इधर पूरा फुल स्टॉक देख के एक और दिखा देते हैं। ये केवल एक डेमो टाइप है, यहाँ पे जितना हम रख सके। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये NRK उस्ताद के यहाँ से ब्लैक पैंथर है, ये 8400 पे भी है और ये 4 तार पे भी है। और 1 2 3 में मिलेगा भैया? ये 1 2 3 में अभी नहीं मांगा, अभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये टेरिस कटर के नाम से और ये 8400 की है। और बीकानेर की जैसे बात हो रही थी तो मैंने इसका थोड़ा सा जो चरखे होते हैं वो बीकानेर टाइप के आपके निकाल के रखे, ताकि काफ़ी लोगों को जैसे वहाँ पे ऐसा लगता है कि चरखा थोड़ा सा वजन वाला होना चाहिए और वहाँ पे जैसे थोड़े से पेच भी दूर लड़ते हैं ना, तो ये चरखा आपके दूर की पतंग को भी समेट लेता है, मतलब डोर जो है उसको खींच लेता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी है इसमें। और ये आपका ग्रे कलर में है, NRK 9 प्रेजेंट ऐसे करा हुआ, 8400 आप देख सकते हैं। एक 8400 को इन्होंने ये लेबल डाल रखा है और बाकी ये 8400 की कटिंग ब्लैक पैंथर और ब्लैक पैंथर का बड़ा। बात करें भैया NRK की रिगार्डिंग 8400 आर्टिकल पे, तो ये क्या सेगमेंट की प्राइस रेंज होगी? सेगमेंट नियर अबाउट 2500 के आसपास, 2500 के नियर बाई मिल जाएगा। ये एक इकोनॉमिकल रेंज है, अगर आप इसमें देखेंगे ना 8400 में, तो एक इकोनॉमिकल रेंज है। ओके, थोड़ा सा डोर को सही कर रहा था मैं, ये देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग के साथ है। और इससे मतलब एक होता है ना कि केवल हम 2200 से 2500 के सेगमेंट में 8400 की बात करें तो इनको कंसिडर करना बहुत अच्छी बात है। इस सेगमेंट को आप कंसिडर कर सकते हो उस रेंज में। और इसके बाद मैं आपको जो दिखाऊंगा वो हमारे जो बारीक डोरों के जो उस्ताद हैं, जैसे उस्ताद YKC उस्ताद है, मिर्जा जी हैं और अपने फरमूद भाई हैं, शानू भाई का रल्सवर नंबर 1 है। चिकनी डोर जो कि फंस के ना कटे, उस टाइप की डोरों को मैं ज़्यादा आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिससे कि क्या होता है कि जहाँ पे हवा तेज़ चलती है वहाँ पे इतना तेज़ कांटा नहीं चाहिए होता, खींच के जो पेच है वो वहाँ पे थोड़े से कम रहते हैं, शह के पेच ज़्यादा रहता है, वहाँ पे डील बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक अपन सम्राट भाई से स्टार्ट करते हैं, तो इनकी ये जो बरेली किंग है, इन्होंने भी मतलब इतना नाम कमाया कि यही डोर जो बरेली किंग है, आज इनसे ऊपर का ब्लॉक भी आ गया सम्राट, ये भी फंस के नहीं कट रही है। ओके। इसका जो ढर्रा है 1 2 3 पे, ये बारीक पैटर्न की डोर है भैया। हाँ, ये 1 2 3 की डोर है और मैं इसमें पूरी श्योरिटी ले सकता हूँ कि ये आपके किसी भी जैसे होता है ना मंजे को एक बार फंस जाए तो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। आप इसका भैया टेम्पर देखिए, थोड़ी सी भैया जो इसका ठर्रा दिखा रहे हैं वो थोड़ी सी ऑफ नहीं दिख रहा है हमें, तो आपके बैकग्राउंड से भी निकल के आ रहा है, टी शर्ट से हमें मिल जा रहा है।
इसका तार कितना अच्छे से। हाँ तो ये आप देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये टेम्पर एक पता चलता है, और कुछ लोग आजकल ऐसे करके भी देखने लग गए, ऐसे करके और ऐसे करते हैं, तो वैसे तो जरूरत नहीं है, अगर अच्छा मेकर होगा तो नहीं करेगा। ये देखिए कहीं से भी ये आपको, और जैसे कि रिजवान जी का नाम फेमस भी है और साथ में इकोनॉमिकल रेंज के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मांझे भी प्रोवाइड करते हैं। रिजवान भाई का कमिटमेंट है मेरे से कि फर्स्ट के अगर मेरी डोर कटे तो उन्हें ज़रूर बताऊँ मैं। उनकी डोरों में एक खासियत है, और बीकानेर में जो जैसे होता है ना लंबी दूरी के पेच होते हैं तो वो ज़्यादातर फंस के ही लड़ते हैं। और इसमें ये चीज़ है कि ये जो सुताई है एकदम गोल मुँह की है और तेज़ धार पे है, तो आपको फंस के पेच आसानी से नहीं जाने देगी चाहे आप। और इसकी रेंज अंडर 2500 में है, तो एक कंट्रोलेबल प्राइस है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन्हीं के साथ अगर प्रमोद भाई को भी कंपेयर किया जाए तो ये देखिए आप, इनकी डोर भी बहुत बढ़िया लड़ती है और प्राइजेज इनका भी काफ़ी होता है ना कि एक इकोनॉमिकल रेंज है। आजकल जैसे अब आप बात करें बीकानेर के चरखों पे, तो 2000 से एक चरखा स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, इसको ब्लैक पैंथर को छोड़ दीजिए और एनआर के चार तार को छोड़ दीजिए, तो 2000 से जो होता है ना बारीक सुताई में गोल धार और दूर फंस के लड़ाने के लिए, तो वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। हाँ, एक इनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और आज का जो पूरा वीडियो रहने वाला है बीकानेर स्पेशल कहा जा सकता है, ये खासकर बीकानेर के लिए है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोगों ने वीडियो कवर नहीं करे थे, कुछ वर्कलोड ज़्यादा था और कुछ इस बार फरवरी में भी बारिश चल रही थी तो काम हो नहीं पा रहा, तो जो परफेक्शन चाहिए था काम में वो नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा वीडियो को, आप ये देखिए कि छोटे वीडियो खूब बने थे, पर एक होता है ना कि प्रोफेशनली बीकानेर के लिए अगर बनाना चाहें तो आप कलर भी देख सकते हैं और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, छोटे में और लंबे में दोनों में लड़ जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको मतलब अगर जयपुर में भी यूज़ होएगा तो ये इसका जो ढर्रा है बहुत बढ़िया है, और जो प्राइस रेंज है वो भी इकोनॉमिकल है। ज़्यादातर हम लोग प्राइस रेंज इसलिए मेंशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि जैसे बीकानेर का चरखा है तो ये हमें यहाँ से भिजवाना पड़ता है बनवाने के लिए, तो थोड़ी सी कॉस्टिंग जो होती है वो चेंज होती रहती है 50-100 रुपये की, और जो शीट वाला चरखा है उसमें कई लोग थोड़ा सस्ता माल भी दे देते हैं, और मेन ये होता है कि आपका चरखी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसमें बीकानेर भी आजकल 2-3 तरीके के आने लगे हैं, जैसे ये चरखा है कई बार ये ऐसे हल्के से हिलते भी हैं, है ना, अगर ज़ोर से हिलाओ तो हिलते भी, क्योंकि खपच्ची डालने का जो स्टाइल है वो अलग अलग है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, तो उससे इनमें डर नहीं है खुलने का। सीट वाली चरखी में थोड़ा सा डर रहता है कि बाय चांस खुल जाएगी तो मांझा ख़राब भी हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मिर्जा जी के शागिर्द हैं एक, उनकी भी डोर दिखाता हूँ, वो भी बहुत अच्छी डोर बना रहे हैं और फंसने में उनका भी मतलब जो कहते हैं ना कि एक 7 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो तो भी डोर चटक के नहीं जाती है, तो इस टाइप की डोरें अभी देखने को अच्छी लगती हैं कि जो चटके ना, क्योंकि तो गर्मी तेज़ है, जिनकी भी तेज़ धार वाली डोरें हैं वो आजकल खूब चटक रही हैं। इवन हमारी खुद के भी कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और गुंडी हवा में चली गई तो वो चटकती है। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार आपको तो मतलब आप तो खुद स्पेशल उड़ाते होगे, तो ऐसी बात नहीं है, ये सब स्पेशल कारीगर ही है, नामी ग्रामी कारीगर हैं इसमें, आप देख रहे हैं इसमें डर्रा एकदम स्मूथ गोलदार में। और ये जो चरखी है ये केजीएन के नाम से है, और इसका भी मैं आपको टेम्पर दिखा सकता हूँ, ये जबकि मेरी दिखाई हुई चरखी है फिर भी इसका टेम्पर हम देखते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा काम को रखा है इस पर भी, गोल ढर्रे पे जो भी काम होगा मेहनत होगी उन सबको हम रिकमेंड करेंगे, और हमारा एक ही मानना है इसमें से अभी जो मेरा कुछ एक जो ब्लॉग्स है वो मैंने लच्छी वाले रखे थे, क्योंकि अभी एक टीम प्रदेश गई थी तो उन्होंने वहाँ पे दोनों गेम अपनी चरखी को यूज़ करते हुए काटे, और सामने वाले ने जैसा बोला कि भाई रेंज पे लड़ाएंगे तो रेंज पे भी काटा उसने, और छोटा लड़ाएंगे तो छोटे भी काटा, तो वो वाली मैं आपको बीकानेर चरखे पे वही अवेलेबल था इसलिए वो दिखा रहा हूँ। बाकी अनबीटेबल, अगर आपको थोड़ी सी मजबूत डोर चाहिए तो आप अनबीटेबल को इग्नोर नहीं कर सकते इस सेगमेंट में। और अनबीटेबल भैया हमारा 1-2-3 पे रहने वाला है किस आर्टिकल पर रहेगा, थ्रेड पे? 1-2-3 पे भी बनवा है, पर अभी जैसे बीकानेर में बच्चे खूब उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं से प्लास्टिक आ ही जाता है, और टेरेस के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास तो टेरेस के लिए एक ऑप्शन है को, हाँ परवाज जो डोर हमारी आती है स्पेशल उस पे ले सकते हैं। ये देखिए ये है अनबीटेबल का कमाल, आपको पूरे ग्रेन्स दिखा। हाँ, बीकानेर में इसकी इतनी डिमांड है कि डेली अगर 15-20 चरखे रेडी पड़े हैं मेरे पास तो वो जाएं तो वहाँ पे बिक जाते हैं, शॉपकीपर्स ने भी खूब इंजॉय करा है
और जो खास मेरे बंदे हैं जिन्होंने मुझसे फरवरी मार्च में बनवाना चालू करा था, उन्होंने तो ये बोला है कि इसके आगे प्लास्टिक व्लास्टिक कुछ भी नहीं टिक रहा। और अगर आपको किसी चीज़ का वो होता है ना कि हमें प्रूफ देने की ज़रूरत है, तो मैं उसका आपको प्रूफ भी दे दूंगा, आप कहीं पे भी शॉर्ट्स में वीडियोस में आप देख सकते हैं। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी शानदार है। ये क्वालिटी तो मतलब बीच में बस डोर थोड़ी कम आने लगी थी, बाकी इस क्वालिटी ने तो पूरा धमाल कर रखा है, देखिए कितना बेहतरीन है। अब नेक्स्ट आर्टिकल भैया। जी भैया, मैं आपको अभी एक सेकंड ये को और खोल के दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिर्जा जी की शायद बात नहीं, हाँ मिर्जा जी की जो बात चल रही थी उनके सागर थे, हाँ वो हो गया था। और ये मिर्जा जी का है, और मिर्जा जी का जो टॉप ब्लॉक है वो स्पीड वन करके आता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी ब्लॉक है मिर्जा जी के जो है वो स्पीड टू और वो सब है, वो सब नीचे के ब्लॉक है। ओरिजिनल और सबसे ऊपर का ब्लॉक यही है 007, और ये सब इन्होंने ख़त्म कर दिए, मेरी बात इनसे रेगुलर होती है। स्पीड वन वाला ब्लॉक इनका अच्छा है, बीकानेर में बहुत पसंद भी किया जाता है। इसमें आपको 6 रिल भी मिलेगा और 12 रिल भी मिलेगा, 12 दोनों अवेलेबल मिल जाएगी। और एक चीज़ आपको खास बात बताता हूँ, जो लोग जैसे हाथ ज़्यादा करते हैं तो आप वहाँ पर इसको यूज़ करिए, अपने सिल्क वेलवेट का आप यूज़ कीजिए। सिल्क वेलवेट का जो नाम है वो आपके काम के अकॉर्डिंग ही रखा गया था, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका कांच है वो गायब है। हमने इसे जो मटेरियल्स आते हैं थोड़े से कॉस्टली मटेरियल्स आते हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, कांच से जो तेज़ी आती है वो इसमें से गायब कर दी गई है। आपको एकदम स्मूथनेस से मिलेगा, और जैसे जितनी डोर मतलब हवा में जाती है ना, तो आपके हाथ को ना खाते हुए सामने वाले की पतंग को खा जाएगी। ये जो चीज़ है इसमें जो होता है ना गोल मुँह में एकदम चिकनी, वो ये डोर है। और मटेरियल बहुत 21 होंगे इसके, इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप अगर फंसा के 10-15 पेज भी काटते हैं तो पतंग का चटकने का जो रेशियो है वो बहुत ही ना के बराबर रहेगा। क्योंकि क्या होता है तेज कांटे की डोर होती है तो उसमें कांटा अंदर भी घाव देने की कोशिश करता है, तो जो स्मूथनेस पे होती है उस पर सामने वाली डोर फिसलते फिसलते करती है, तो ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। हाँ। और इसमें अगर थोड़ा सा भी कांटा तेज करो तो आप सम्राट पे आ जाओगे। ये देखिए इनकी जो डोर है सम्राट भाई की, इनकी डोर में भी बहुत अच्छी जो है गोल मुंह पे थोड़ी सी तेज़धार होती है, ताकि जो छोटा रेंज लड़ाने वाले लोग हैं वो लोग भी खूब इन्जॉय करें। ये रिजवान भाई का सम्राट है। डोर तो खूब सारी हैं, बस वही है जैसे हसीन लल्ला भी हो गए, आप थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और व्यू करवा देता हूँ। देखिए जुबेर भाई का सुपर तेजस, थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, जुबेर भाई का सुपर तेजस डेंजरस है, ठीक है। प्रमोद भाई की फाइबर में चरखी है, यहाँ पे AMRG के ब्लॉक लगे हुए, मैग्नेट है, मैग्नेट की रेंज आप 2500 से जो नीचे के सेगमेंट है उससे कंसिडर कीजिए। और आपके यहाँ पे चांद मियाँ के सेगमेंट्स हैं, शानू चांद के सेगमेंट्स हैं, देन आफ्टर ये NRKG का है, ये रॉयल स्वाट 8400 पे है, जिसको मजबूत डोर चिकने में चाहिए। फिर आप आगे देखेंगे वीर चक्र, सिराजुद्दीन जी का काला सोना काला चुगनू, ये ऊपर अपने सम्राट भाई का 8400 का सेगमेंट है, उसके ऊपर ये भी 6 रील का सेगमेंट है, और ऊपर भी 6 रील का सेगमेंट है, उसमें NRK वीर चक्र और चैंपियन की डोर है। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आ जाएँ तो यहाँ पे मिर्जा जी के 6 रील के चरके हैं, थोड़े बहुत सम्राट भी मिक्स हैं, ये हमारे बशीर बेग भी है, हंटर भी हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें आपको जैसे कलर्स चाहिए सम्राट में, तो ये ऊपर आपके कलर्स भी हैं, जैसे पिंक कलर हो गया, लाइट ऑरेंज कलर हो गया, और फिरोजी कलर हो गया, फिरोजी वाला किंग का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू शॉप का करवा देता हूँ कि जो स्टॉक है, थोड़ा सा आप और आगे जाएंगे, कोई नहीं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देखिए, ये शोनाकाइट का सेगमेंट है, ये हमारा सेगमेंट बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज का है, ये 1900 रुपये की चरखी है 12 रील की, और इसमें आप चाहें तो जहाँ मर्जी चाहें इस डोर को लड़ा लीजिए, 1-2-3 की डोर है, बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में। मेरा पर्सनल है इसलिए बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही कम रेट पे इसमें काम करा हुआ, पर जो मेहनत है वो आपके जितने भी टॉप ब्लॉक से आप आराम से कंपेयर कीजिए, उनके साथ लड़ाइए, कहीं पे आपको कोई चीज़ 19-20 लगे तो आप मुझे ही बताइए। फिर आपके यहाँ पे ये सद्दा है, इसमें आपका शिवम की है, शन्ने बन्ने और गुड्डू सबकी सद्दा है, आप ये देखिए ये सद्दा ये कितनी बेहतरीन फिनिशिंग पर है। अभी सैटरडे को ही गेम था तो बंदा हाफ लेके गया था, हाफ किसी और कस्टमर के लिए हो जाएगी। और सबसे मेन जो बातें हैं वो है क्वालिटी की, आपका YKC का थोड़ा भी आज कार्टून चाहते तो यहाँ पे स्टक हो गए, YKC आपका मिल जाएगा 6 रील पे 920 11 920 11 920। इमरान भारती का स्टॉक है, ये कौन से भाई साहब है, शादाब अंसारी
मतलब 2000 के अंदर की रेंज में भी काफ़ी अच्छी डोरें हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो सारा सेगमेंट है गुड्डू फाइटर और ये सब 2000 के अंदर की रेंज में है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो कुछ एक ब्लॉक आपको दिख रहे हैं ये मेरे जो प्लेटिनम रेंज है उसके ब्लॉक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 8400 और जो होता है ना अपना C28 उसका कलेक्शन है। देन आफ्टर आप यहाँ पे देखेंगे जुबेर भाई का काला बाज है, आदमखोर है और एक वो नागो का नाग है, ये देखिए। तो ये सारे सेगमेंट्स हैं और बहुत सारे शॉपकीपर्स जिनकी डिमांड रहती है उनके लिए है। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे दब गया है ये YKC और खलनायक सिकंदर भाई का जो स्टॉक है वो थोड़ा सा नीचे अभी दब चुका है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे एनकाउंटर के हैं और ऊपर आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे मंजरी सद्दा का स्टॉक खूबता रहा है क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं। तो मंजरी सद्दा ये देखिए एकदम बहुत ही बोलते हैं ना कि एकदम बारीक पे और गोल धार पे है जिससे आपका खींचने और ढील देने में दोनों में हाथ नहीं खाएगी। और ये देखिए आसमानी कलर, ये 4 नंबर का है, ये 4 नंबर मोटी और बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे टेलकम पाउडर लगा हुआ है इसके ऊपर, इतनी बढ़िया फिनिशिंग पे है। और आपको यहाँ पे देखिए ये कितना बेहतरीन कलर है, ये देखिए फिनिशिंग मैरून पिंकिश मैरून कलर है और ये भी शायद 4 नंबर का नहीं 3 नंबर है, 3 नंबर का लेबल है। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये टाइम से बनती है और थोड़ा सा टाइम लेकर ही आप तक पहुँचेगी। ये डेली में आप ये सोचे कि मुझे 10-15 चरखियाँ मिल जाए तो शॉपकीपर के पास भी आसानी से नहीं हो पाती है। ये देखिए ग्रीन कलर का बहुत ही बढ़िया, मतलब आप जैसे होली पे गुलाल यूज़ करते हैं ना एकदम वैसे है, इसमें आपको फिनिशिंग मिलेगी। और थोड़ा सा अभी मैनेजमेंट करना बाकी है यहाँ पे, फिर आपको मैं और भी आर्टिकल्स दिखाऊंगा। आर्टिकल्स इतने सारे हैं मतलब कम से कम 30 मेकर हमारे जो हैं वो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। और ये देखिए अभी आपके सामने टेबल से गिरी है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये चरखी ये वाली चरखी हिलती नहीं है, ये 11926 आर्टिकल पे फाइबर होता तो चटकने के चांसेस बन जाते। हाँ ये दूसरी चरखी पे ये टूट भी जाती है अभी तक तो थोड़ा सा ये होता है ना कि डंडियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं तो अटक जाती है। इनमें से ऐसा कोई आर्टिकल है जो हमने अभी तक कवर नहीं किया अभी तक अपने चैनल? ये भाई साहब ये 2 आर्टिकल आपको बताता हूँ, एक तो शानू भाई का रॉयल्स नंबर 1 और ये घासो चीज है C28 है मेरा, ठीक है। मैं ज्यादातर जो तावा उड़ा लेते हैं 1.5 तावा 2 तावा तक तो को भी सपोर्ट स्पेशल रहने वाला है जो C28 के शौकीन है। ये ऐसी चीज है कि आप काटते काटते थक जाओगे, ये हार नहीं मानेगी। इसमें जैसे होता है ना खेच के जो पेज लड़ रहा है उसमें आप 30-40 पेज भी काट दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी सामने छोड़ो ये ऐसी चीज है। ये अभी 3 रील पे आने वाला है, 6 रील और 12 रील अवेलेबल है जिसमें से भी 12 ज्यादा अवेलेबल है। अब आप देखिए बीकानेर की चरखी पूरी लबालब हो गई है, देख रहे हैं आप उफान के आ रही है बाहर साइड से देख सकते। तो हमारी तो सर कोशिश यही है कि आप तक बहुत अच्छी चीज़ पहुंचाई जाए और जो रिजल्ट है वो आपको अनबीटेबल से भी ऊपर रिजल्ट मिले, आपके स्किल्स और एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा थोड़ा सा। एक हाँ जैसे C28 मैंने बताया ये बीकानेर में अगर तेज हवा है तो जा रही है, बीकानेर में लड़ रही है C28। मेरे को डाउट था कि वो थोड़ा जो होता है ना हवा तेज है और 1000 गज पे लड़ा दे तो, पर लोगों ने जो भारी पतंग होती है वहाँ पे गोले जो वहाँ बोले जाते हैं उनसे लड़ाया और मुझे रिजल्ट दिया और मैंने 5-6 चरखे और भी वहाँ पे भेजे। फिर एक ये बहुत प्यारी चीज़ है और इसको मैं कहूँगा कि गर्मियों में इसको ना छोड़ें, इस डोर को आप चाहे कितने भी टॉप ब्लॉक हो वहाँ पे कंपेयर कीजिए और इसको ना छोड़ें। मेरा ये मानना है कि फंसने के बाद नहीं कटेगा ये, जिस भी भाई को मैंने यहाँ पे शॉप पे आ जाए मेरी इतनी गारंटी है जिसने इस पे हाथ फेर लिया वो ये लेकर ही जाएगा, ये छोड़ के नहीं जा सकता। ये ऐसी चीज़ बनी हुई है और मेहनत पूरी करी हुई है, फिनिशिंग से आप पता लगा सकते हो। इस फिनिशिंग का मतलब ये बोल सकते हैं कि कारीगर भी जब लपेट रहे होते हैं तो वो दीवाने हो जाते हैं कि यह क्या चरखी बनवाई है। क्वालिटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेकर्स जो हैं वो भी खूब दिन रात मेहनत करते हैं तभी उनका नाम और काम दोनों अच्छा चलता है। तो आप ये देखिएगा, ये चीज़ मैंने इसलिए आपको लास्ट में बताई क्योंकि ये थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, टाइम लेके बनता है तो लिमिटेड स्टॉक आ पाता है। तो भैया फिलहाल जो आज के लिए इतना ही, हाँ कोशिश करेंगे जल्दी हम और सारी चीज़ें लेके आते हैं, कलर्स और भी आने वाले हैं। जिन भाइयों को कलर्स चाहिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बारिश से पहले पहले कर लीजिए, ठीक है। उससे ये होगा चाहे वो हमारे आउटसाइड राजस्थान के बंदे हों चाहे आउट ऑफ इंडिया के बंदे हो, जिनको भी कलर्स चाहिए अभी 2 महीने में पूरी सपोर्ट कर सकता हूँ। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए ऑर्डर को तो माइंड मत कीजिएगा, बाकी हाँ कलर्स में पूरा सपोर्ट जारी है।
आफ्टर बारिश और मीनवाइल जब रेनी सीजन होगा तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वालिटी वही देनी है जो रिजल्ट दे। ऐसा नहीं है कि आपसे पेमेंट ले लिया और आपको ऐसे कलर दे दिए जो अभी तो अच्छे लड़े और बाद में आपको नुकसान करे, तो ये काम ना करेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू।